हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूं। और हमारे आईपीसीसी के फ्रेंड्स, सॉरी इंटरमीडिएट के फ्रेंड्स, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बढ़िया ही चल रही होगी। सब कुछ सही चल रहा होगा सर। नवंबर में एग्जामिनेशन है, अच्छे से एग्जामिनेशन देना आप लोग, ठीक है? बोथ ग्रुप वाले, बोथ ग्रुप पे अच्छे से फोकस करो। लास्ट में 2 महीने में रिविजन हो जाता है, ठीक है? देखो सर, हमने सेक्शन नंबर 7 तक देखा था कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है। उसमें स्टेजेस वाइज देखा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। लास्ट में कंपनी खत्म भी करना है फ्रॉड के चक्कर में, ट्राइमल ऑर्डर देकर कंपनी खत्म कर सकता है। 2-3 तरीके से कंपनी बंद हो जाता है। एक वाइंडिंग अप लंबा प्रोसेस, स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ कंपनी। सिंपल बात नहीं है, उसके पापा ने उसके जहाज से नाम हटा दिया उसका। तो सिंपल वही है, कंपनी ने अपने रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया, भैया जाओ कंपनी, बाय बाय, ठीक है? अब चलो सर, सर एक याद बात आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया था सर टॉप क्लास कंपनी कैसे होनी चाहिए। सर टॉप क्लास ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सर परपेचुअल सक्सेशन, ये सब को याद करवाया था। टेक्निक था कंपनी कैसे होनी चाहिए टॉप क्लास। एक स्टूडेंट का डाउट भी आया था, सर पूरे बुक में कहीं दिख नहीं रहा है सर ये फीचर्स ऑफ कंपनी। देखो ये होता है फीचर्स ऑफ कंपनी, ठीक है? सर एक स्टूडेंट ने बोला मेरे को, सर पूरे बुक में कहीं दिख नहीं दिख रहा। भाई क्यों दिखेगा? मैं बताऊंगा तब तो पता चलेगा तुम्हें कहां दिखेगा, ठीक है? अब बता रहा हूं, सुनो सर। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है या रजिस्टर होती है, तो सेक्शन नंबर 9 बताता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर मतलब एक रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या इफेक्ट आने वाला है? तो सर डिट्स डोनेट्स टू टॉप क्लास। सर रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी कैसे हो जाएगी? कंपनी हो जाएगी टॉप क्लास। देखो सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे टॉप क्लास के, बट देखो सारे लगभग सब कुछ कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। देखो सर क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात। सेक्शन 7 जब मैं कंपनी सर सेक्शन नंबर 8 पढ़ाऊंगा, बट अभी सुनो सेक्शन नंबर 8 फॉर लास्ट में आऊंगा। सेक्शन नंबर 9 और 10 हमारा टारगेट है 9 और 10 में समझने का। 10 में एक अमेंडमेंट भी आया था। देखो सर सिंपल सी बात है, कंपनी जब रजिस्टर हो गई, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, कंपनी का सिन नंबर आ गया, कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, सर उस दिन के बाद से क्या इफेक्ट आने वाले हैं? मतलब जिस दिन, देखो आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, यहाँ से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तो इस डेट पे जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बने यहाँ से क्या इफेक्ट आएंगे? सर साइन पावर आ गया, सर ऑडिटिंग पावर आ गया, तो ये सब पावर आए ना आपके पास, उससे पहले तो कोई पावर नहीं थे। तो सिंपल वही बात है, जब कंपनी बन गई है उसके बाद क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट बने उस बनने के बाद कंपनी में, क्या क्या इफेक्ट आए, सुनो सर। सर सबसे पहले सुनो, तो इसको हटाओ, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर देखो सर, जिस डेट से, सर डेट बोले तो सर जिस डेट से आपको सिन नंबर मिला, जिस डेट से आपको COI मिला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, सपोज डेट है 26 अगस्त 2020, तो सर देखो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, ठीक है? सच रजिस्टर्ड कंपनी शैल बी। अब उस दिन से कंपनी, देखो उस दिन से पहले तक प्रमोटर चला रहा था कंपनी को, उस दिन से कंपनी अलग से कुछ एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। वही पढ़ते हैं हम लोग सर सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस पढ़ते हैं, सर सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। बस यही पॉइंट का इंतजार कर रहा था, सेक्शन नंबर 9 का इंतजार कर रहा था। मैंने टॉप क्लास को लिंक यहां क्यों नहीं करवाया, ठीक है? अब देखो रजिस्टर हो गया तो कंपनी क्या क्या हो जाएगी, कंपनी सेल भी। सुनो अब पॉइंट आएंगे सर, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। So, मतलब कंपनी विल नॉट बे एंड, ठीक है? कंपनी विल नॉट टू बे एंड, मतलब सर अगर मुकेश अंबानी के जाने के बाद क्या रिलायंस बंद हो जाएगी? नहीं। क्या मुकेश अंबानी के पापा जी चला रहे थे उनके जाने के बाद क्या रिलायंस बंद हो गई? नहीं, कंपनी सालों साल चलते रहेगी, उसके मेंबर्स चले भी जाए, उसके मेंबर्स ने, देखो परपेचुअल सक्सेशन मतलब हमेशा ये मत समझना कि मेंबर्स की डेथ हो गई। सर डेथ नहीं होता, अगर मेंबर्स ने शेयर्स ट्रांसफर भी कर दिया ना, मान लो मुकेश अंबानी जी का रिलायंस में 99% शेयर था, उन्होंने बोला कि मैं अपना शेयर्स ट्रांसफर कर रहा हूँ किसी और को,
तो क्या मुकेश अंबानी जी की डेथ हो गई? नहीं, यहाँ पे शेयर्स पूरा ट्रांसफर कर दिया, तो कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी जी चले गए कंपनी से। तो क्या चले जाना सिर्फ डेथ से होता है? नहीं, अपने कंपनी में शेयर्स रखा हुआ है, अपने कंपनी में 100% शेयर्स रखा हुआ है, आज वो कंपनी आपकी है, आपने अपने भाई को 100% शेयर्स भेज दिया, तो मेंबर तो चला गया। तो यही बात डिनोट करता है कि मेंबर्स के आने जाने से कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई। कंपनी क्या है? कंपनी भैया जीते रहेगी जब तक कंपनी के पास वाइंडिंग अप का ऑर्डर ना जाए या कंपनी का नेम ऑफ रिमूव ना हो जाए। तो परपेचुअल सक्सेशन होने से है ना, सुनो, परपेचुअल सक्सेशन से है ना, यही डिनोट करता है कि मेंबर्स के जाने के बाद भी, मेंबर्स के डेथ के बाद भी कंपनी हमेशा चलते रहेगी, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि चार मेंबर थे कंपनी में, ठीक है, चारों मेंबर गाड़ी से जा रहे थे, एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैंने कहीं ना कहीं अपने आईपीसीसी डेज में ये पढ़ा था, चारों मेंबर जा रहे थे, उनके ऊपर है ना ट्री गिर गया और वो गाड़ी में चारों मेंबर्स मर गए, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं भाई, कंपनी खुली है पूरा लीगली लॉ एग्जिस्टेंस करके, कंपनी बंद भी होगी लीगली लॉ एग्जिस्टेंस करके। मतलब सर, अगर कंपनी को बंद करना है तो पूरा वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर पास करना पड़ेगा या रिमूवल ऑफ नेम करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। कंपनी खोलना आसान है, बंद करना मुश्किल होता है भाई, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन हमेशा डेथ से नहीं होता है। शेयर्स किसी ने ट्रांसफर कर दिया, मान लो इसने 100% शेयर लिखा रहता है ए में, इसने ट्रांसफर कर दिया अपने भाई को, ब्रदर्स का नाम था राज, ठीक है, तो सारे ट्रांसफर हो गए ए, तो ये चला गया ना, ये मान लो सुमित था, सुमित तो चला गया ना, अब बचा क्या, राज। तो क्या इसके जाने से कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं भाई, कंपनी कभी मेंबर पर डिपेंड नहीं होती है। तो हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी पास उस दिन से, जिस दिन से कंपनी रजिस्टर हो जाएगी उस दिन से कंपनी पास क्या हो जाएगा, परपेचुअल सक्सेशन पावर हो जाएगा। मेंबर्स अलग, मेंबर्स जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कंपनी को, ठीक है। अब परपेचुअल सक्सेशन मिथ निकालो, सिर्फ डेथ नहीं होता, शेयर ट्रांसफर करना भी होता है, ठीक है। पावर टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन नेम। मतलब सर, जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना, उस दिन से हम देखते हैं ना कंपनी की बैलेंस शीट। सुनो, कंपनी की बैलेंस, मान लो ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड, इसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उसके बैलेंस शीट मान लो आया मशीनरी 50 लाख का। तो क्या ये हम बोलते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मान लो तीन मेंबर्स है ए बी एंड सी, हम बोलते हैं 50 लाख का मशीनरी ए का है? नहीं, हम बोलते हैं 50 लाख का मशीनरी एबीसी कंपनी का है, कंपनी की मशीनरी है, कंपनी का प्लांट्स इक्विपमेंट्स है। तो कंपनी जिस दिन से इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, कंपनी उस दिन से पावर आता है कंपनी को कि किसी भी एसेट्स को, किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नेम पे वो एक्वायर कर सकता है, या मान लो उसका प्रॉपर्टी है तो उसको सेल भी कर सकता है, डिस्पोज भी कर सकता है। होल्ड पकड़ना, एक्वायर करना, होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन नेम, ओन नेम किसके, कंपनी का नाम। तो कंपनी, सुनो ना, सिंपल सी बात है भैया, जिस दिन कंपनी बनी ना, कंपनी सब का सब काम अपने नाम पे करेगी, मेंबर्स तुम बैठो शांति से। बट कंपनी इनकॉर्पोरेट होते हैं, सेक्शन नंबर 9 लग जाता है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो पहला इफेक्ट देखा हमने, परपेचुअल सक्सेशन आ जाता है। सेकंड इफेक्ट देखा हमने, कंपनी अपने नाम से, अपने नाम से प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, जो कंपनी के बैलेंस शीट पे दिखेगा, प्लांट एंड मशीनरी ये सब दिखेगा, ठीक है। सर थर्ड पॉइंट सुनो, सुनो सर, पावर टू शू एंड कैन बी शूड इन इट्स ओन नेम। सर एक एग्जाम्पल बताता हूँ, चलो एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल है, ठीक है। सर ये है जोमेटो, इसके डिलीवरी बॉयज हैं, पता है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है। अब यहाँ पे आप है ना, आप आलिशान बंगले में रहते हो, यहाँ पे आप खड़े हो, आप रोलेक्स वॉच पहन के वेट कर रहे हो कि जोमेटो वाला अब आएगा, और सी ने डिलीवरी करके निकला, सी बाइक चलाता था, बाइक से निकला और 35 मिनट्स हो गए, जबकि ऑर्डर 30 मिनट में आना चाहिए था, फिर यहाँ पे सब पंक्चर हो गया, 45 मिनट्स हो गए, पहुँचते पहुँचते उसको एक घंटा लग गया। अब ये बोला ना कि यार मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पे सू करने, जोमेटो तुम्हारे पे सू करने जा रहा हूँ, तो क्या ये सी पे सू करेगा? क्या ये सी पे सू करेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? ये गलती जोमेटो की थी, ये तो जोमेटो का एम्प्लॉय था। या मान लो ये बोलेगा मैं जा रहा हूँ जोमेटो तुम्हारे मेंबर्स पे शू करने, तुम्हारे मेंबर्स पे शू करने, भाई मेंबर्स की क्या गलती? कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, जोमेटो चल रहा है, एग्जांपल बता रहा हूँ, जोमेटो चल रहा है, मान लो जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड कुछ करके जोमेटो चल रहा है, तो क्या इसकी गलती वजह से तुम इसको शू करने जाओगे? नहीं, जोमेटो पे शू होगा। क्या इसकी गलती वजह तुम इसके मेंबर पे शू करोगे? नहीं, जोमेटो पे शू होगा। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि मान लो कि इसके क्या कहते हैं,
इसको मार दिया, इसने थप्पड़ मार दिया, तो जोमेटो भी आके क्या कर सकता है, इस पर सू कर सकता है, इसका एम्प्लॉय इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर है, जोमेटो भी इस पर सू कर सकता है। तो ठीक है, तो पावर टू सू एंड कैन बी शूट, मतलब तुम पे कोई भी क्राइम का वो लगा सकता है, फाइल केस कर सकता है। ठीक है, सू मतलब क्या, टू फाइल अ केस। ठीक है, टू फाइल अ केस, ठीक है, तो तुम पे कोई भी फाइल केस कर सकता है तुम्हारे नेम से, कंपनी तुम्हारे मेंबर को नहीं बोलेगा, कि तुम्हारे मेंबर मान लो बैठे हुए कहीं और, ये पी क्यू एंड आर, ठीक है, बोलेगा नहीं हम जा रहे पी क्यू आर पे केस करने, नहीं, अगर कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है ना, तो कंपनी के नेम पे ही केस होगा, कंपनी पे ही केस होगा, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। कंपनी को भी केस करना है ना, तो कंपनी अपने नाम से ही केस करेगी, जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड या जो भी है उसके नाम से केस करेगी। तो पावर टू सू एंड पावर एंड कैन बी शूड, तुमको फाइल करना है केस या तुम पे केस फाइल होना है, सब तुम्हारे नेम से होगा, मतलब कंपनी तुम्हारे नेम से होगा। तो ये सब कब होता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जब कंपनी का सीईओ आ जाता है उस डेट से। ठीक है, तो जोमेटो वाला ऑर्डर याद रखना, सब फोर्थ having a legal existence and law recognized a legal person and distinct from its members। मतलब सर ये वही केस दोहरा रहा है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, मतलब एक बार तुम कंपनी बन गए ना, तो तुम्हारा एक लीगल एग्जिस्टेंस आ जाएगा। मतलब हमें सोलोमन वर्सेस सोलोमन देखा था, एफ गुलजार देखा था, टैक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया देखा था, तो वहीं पे ये बात आता था कि कंपनीज अलग थिंग, मेंबर्स इज अलग थिंग। तो लॉ के नजर में ये मान लो कंपनीज एक्ट है, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013, इसके नजर में कंपनी तुम क्या बन गए, एक लीगल बॉडी बन गए, एक लीगल पर्सन बन गए, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जो मैं आपको समझाया था, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, भले उसके हाथ पैर नहीं है, बट कहने को वो एक आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे एक रियल रोज होता है, एक आर्टिफिशियल रोज होता है, तो है लगभग लगभग दोनों रोज ही, बट एक रियल है एक आर्टिफिशियल है। तो कहीं ना कहीं उस दिन से लॉ के नजर में तुम एक लीगल पर्सन हो जाते हो, जो कि एक मेंबर से अलग है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट मेंबर, जो कि हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। एग्जाम्पल वही है, रियल रोज आर्टिफिशियल रोज, ठीक है, तो मेंबर से सब अलग हो जाएगा, परफेक्ट। सेक्शन नंबर 9 में चार चीज आ रखना, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि एक बार जब कंपनी बन गया, तो उस डेट से कंपनी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या इफेक्ट बनेंगे। सर सबसे पहले परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर जाए आए भाई कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड क्या, लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाएगा कंपनी को, सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिल जाएगा, जो कि हमने सोलोमन वर्सेस सोलोमन और एफ गुलजार में देखा था, ली वर्सेस ली का भी केस आ सकता है। कंपनी को एक्वायर करना है प्रॉपर्टी, तो अपने नाम पे करेगा, एक बार कंपनी बन चुका है तो ये नहीं बोलेगा मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, कंपनी को अपने नाम पे करना है, बेचना भी है, तो कंपनी में नाम पे बेचेगा कि हाँ एबीसी कंपनी सेल्स प्रॉपर्टी टू मिस्टर जेड, तो उसके नाम से जाएगा प्रॉपर्टी कंपनी, ठीक है। चौथा क्या, सू एंड सूड, अगर किसी को सू करना है तो भैया कंपनी पे सू करेगा, ना कि उसके मेंबर्स पे सू करेगा। अगर कंपनी को किसी पे सू करना है तो कंपनी के मेंबर्स आकर सू नहीं करेंगे, कंपनी का जो भी होगा कंपनी के नाम पर सू होगा। तो ठीक है, ये चार पॉइंट्स याद रखना, इस डेट इज कॉल्ड चलो अब हम देखते हैं आगे सेक्शन नंबर 10। 9 में हमने देख लिया कि चार ऐसे रजिस्ट्रेशन होने बाद चार केसेस हो सकते हैं, जैसे टॉप क्लास को मैं समझाया था, कहीं ना कहीं यहाँ पे वो उसका लिंक था, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोलते हैं सेक्शन नंबर 9 को। सर सेक्शन नंबर 10 देखो, सेक्शन नंबर 10 का कोई लिंक कहीं है ही नहीं, बट इसको क्यों लाया गया है बताता हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 10 इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेक्शन नंबर 10 में आया अमेंडमेंट सेक्शन 10A करके। तो 10 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, बट 10A कभी भी अमेंडमेंट आता है ना, तो सर 10A करके आएगा या 11A फॉर अमेंडमेंट करके होता है, ठीक है। तो ऐसा समझना, अभी सेक्शन नंबर 10 समझो, सेक्शन नंबर 10 क्या होता है, इफेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड MOA and AOA। सर when यू फाइल MOA एंड AOA टू ROC, देन उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। देखो कंपनी रजिस्टर्ड हो गया तो रजिस्ट्रेशन के क्या क्या इफेक्ट हुए, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए। बट एक बार MOA एंड AOA रजिस्टर्ड हो गया, जो हमने पढ़ा था टेबल नंबर शेड्यूल 1 में,
टेबल नंबर पढ़ा था मैं, पार्ट ए बी सी डी एम ओ ए का होता है, फिर उसके बाद ए ओ ए होता है। तो आपने जब ए ओ ए एम ओ ए को ड्राफ्ट को जब आर ओ सी को फाइल कर दिया स्पाइस प्लस फॉर्म पार्ट बी में, जब हमने देखा था कल कंपनी इनकॉर्पोरेट एसएमएस आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस में दिखा था स्टेज में, तो उसके जब एम ओ ए ए ओ ए जब आर ओ सी पास रजिस्टर हो जाता है, आर ओ सी पास चला जाता है, तो उसके क्या क्या इफेक्ट आएंगे एम ओ ए के? सुनो, वंस एम ओ ए एंड ए ओ ए इज रजिस्टर्ड देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट। क्वेश्चन है कि एक बार एमओए एंड एओए रजिस्टर्ड हो गया तो उसके क्या क्या इफेक्ट आएंगे? सर तीन इफेक्ट है, समझना प्यार से, ठीक है। मैं इसको ऐसे, इसको ऐसे और मैं इसको ऐसे, सर तीन इफेक्ट है। सुनो, कंपनी इज लाइबल टू इट्स मेंबर्स, ठीक है। सुनो, मेंबर्स आर लाइबल टू कंपनी, सुनो, और थर्ड को अलग लिखता हूं थोड़ा, बट मेंबर्स आर नॉट लाइबल टू ईच अदर। मतलब सर एक बार जब एमओए एओए रजिस्टर हो गया ना, तो कंपनी है ना, कंपनी कंपनी लाइबल है मेंबर्स पे, मेंबर्स लाइबल है कंपनी पे, बट मेंबर्स मेंबर्स पे नहीं लाइबल है। मतलब मेंबर्स मेंबर्स आपस में नहीं लड़ेंगे, मेंबर्स लाइबल है कंपनी के लिए। सर कब लाइबल हो, क्या लाइबल बताता हूं, कंपनी लाइबल है मेंबर के लिए वंस द एमओए एंड एओए रजिस्टर। जब आपने एमओए एओए फाइल कर दिया ना, उसके बाद ये तीन केसेस आएंगे, मतलब कंपनी लाइबल हो जाएगा मेंबर्स के लिए, मेंबर्स लाइबल है कंपनी के लिए, बट मेंबर्स मेंबर्स आर नॉट लाइबल। सर क्या लाइबल, क्या लाइबल, कैसे लाइबल बताओ। देखो सर, कंपनी लाइबल है मेंबर्स के लिए फॉर डिक्लेयरिंग दी डिविडेंड, ठीक है। कंपनी लाइबल है मेंबर्स के लिए फॉर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाया, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट का पार्ट कहीं ना कहीं मेंबर्स को मिलना चाहिए एज वे ऑफ बाय डिविडेंड, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि मेंबर्स ही हमारे कंपनी के कर्ता कर्ता होते हैं, हमारे कंपनीज के शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो मेंबर्स को पैसा मिलना चाहिए, तो कंपनी लायबल है मेंबर्स के लिए डिविडेंड देने के लिए। सर और क्या, वाइंडिंग अप पे एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट। सर मतलब मान लो कंपनी का एसेट्स है 2000 करोड़, कंपनी वाइंड अप में जा चुकी है, लाइबिलिटीज है 1600 करोड़, तो कहीं ना कहीं 400 करोड़ और बचा है ना, मेंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि मेंबर्स से कहीं ना कहीं कंपनी का ओनर है। काम करो, एसेट्स बहुत ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, 400 करोड़ बचा है, कंपनी खत्म होने वाली, कंपनी बंद होने वाली है, 400 करोड़ कम क्या करो, 200 मेंबर्स है, तो 200 मेंबर्स पे 400 करोड़ बेच दो। मतलब सर हर मेंबर को क्या करो, हर मेंबर को 400, हर मेंबर को 2 करोड़ का एसेट दे दो, तो कहीं ना कहीं कंपनी लायबल है। लायबल लायबल कब होता है, जब डिक्लेयरिंग डिविडेंड, कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, तो कंपनी लायबल हो जाएगी मेंबर्स को डिक्लेयर डिविडेंड करने के लिए। वंस एमओए एओए रजिस्टर होते हैं, कंपनी के पास कॉन्स्टिट्यूशन पावर आ जाएगा कि हाँ कंपनी के पास पावर है, कंपनी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि अपने मेंबर्स को क्या देना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है। और फिर वाइंडिंग अप के केस में अगर कोई एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट हमें अपना मेंबर्स को देना है, तो कंपनी कहीं ना कहीं लायबल हो जाएगी मेंबर्स के लिए, ठीक है। सर मेंबर्स कैसे लाइबल होगी कंपनी के लिए, सुनो, मनी पेबल एज अ सब्सक्राइबर इट शैल बी डेट अंटिल इट इज पेड। देखो सर, हमने बोला था जब कंपनी बनती है ना, तो कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? सर 7 लोग, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, 7 लोग होने चाहिए। कंपनी का मान लो शेयर कैपिटल है, मान लो चलो 60,000 है ना, 60,000 लाख का, मान लो 60,000 है, तो 10,000 शेयर्स इसने लिया, 10,000 शेयर्स इसने लिया, 10,000 शेयर्स इसने लिया,
10,000 शेयर्स इसने लिया, 10 इसने लिया, 10 इसने लिया एंड 10 इसने लिया। फेस वैल्यू है मान लो 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़। बट ये सारा पैसा अभी दे देंगे नहीं, इसमें से क्या होता है, हमें बचपन में पढ़ते हैं सर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल फर्स्ट फाइनल कॉल, मान लो 3, 3, 4, मान लो 2 एंड फाइनल 2, तो कहीं ना कहीं मान लो 6 रुपया दिया, 4 रुपया भी और पेंडिंग था देना, हर मेंबर्स को एट अ रेट 4 रुपीज पेंडिंग था, हर रुपीज पेंडिंग था, 4 रुपीज पेंडिंग था, मतलब 10,000 शेयर्स थे, 10 रुपया फेस वैल्यू था, 4 रुपीज पेंडिंग था, तो कहीं ना कहीं मनी पेबल, मतलब जब पेंडिंग होता है ना, जब पैसा लेना बाकी होता है तो पेबल यूज करते हैं बाय एनी मेंबर एज अ सब्सक्राइबर्स अंडर MOA एंड AOA। MOA AOA में जो आपके सब्सक्राइबर्स मेंबर्स थे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं 10 रुपया देने का वादा किया था, बट कहीं ना कहीं 6 रुपया देकर बंद थे, 4 रुपया और देना बाकी था। एंड कहीं ना कहीं ये क्या होता है, डेट होता है, उधार है, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 रुपया बोले हो तुम्हें, 6 रुपया दिया है, 4 रुपया कॉल का बाकी है, तो कहीं ना कहीं तुम कॉल मनी दोगे ना, तो मेंबर्स इसलिए MOA AOA रजिस्टर होते ही, जब आपका MOA में रजिस्टर हो जाता है ना सब्सक्रिप्शन क्लॉज, तो कहीं ना कहीं मेंबर्स लाइबल हो जाते हैं कंपनी के लिए जो भी वो एट द रेट 4 रुपीज पेंडिंग है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेंबर्स कंपनी के लाइबल हो जाए, क्यों, किस लाइबल होंगे, जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में वादा किया था ना तो वो निभाना पड़ेगा, जो 10 रुपया देने का वादा किया था ना, तो 6 रुपया दिया ना, तो 4 रुपया और पेंडिंग है ना, तो 4 रुपया और देना पड़ेगा, तो मेंबर्स कहीं ना कहीं कंपनी के लिए लाइबल हो जाएंगे। वहां यहाँ पे क्या था, कहीं ना कहीं कंपनी मेंबर्स के लाइबल हो जाएंगे, अगर प्रॉफिट कमाया तो मेंबर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, वाइंडिंग अप हुआ, एसेट ज्यादा है तो मेंबर्स को एसेट्स देना पड़ेगा, यहाँ पे मेंबर्स को कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, जो भी वादा किया था सब्सक्रिप्शन क्लॉज पे, पूरा दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भाई देना पड़ेगा। सर क्या मेंबर्स लाइबल होंगे कभी, ये मेंबर बोलेगा मैं तेरे को पैसा दूंगा, ये मेंबर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता, मेंबर्स आर नॉट लाइबल टू ईच अदर, कोई एक मेंबर दूसरे मेंबर्स के लाइबल नहीं है, कोई भी पैसा ले रखा है, कोई मेंबर्स एक दूसरे मेंबर लाइबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कंपनी मेंबर्स के लाइबल होता है और मेंबर्स ही कंपनी लाइबल होता है, मेंबर्स लाइबल नहीं होते हैं, ठीक है, दे ऑल आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है भैया, ये सब तुम्हारे अपने आपस में, तुम अपने आपस में जाओ, कंपनी में MOA AOA रजिस्टर होते हुए मेंबर्स नहीं है, सारा मेंबर्स अपना सेपरेट लीगल है, ठीक है, दे ऑल आर सेपरेट। ये कब हो रहा है, जब MOA AOA रजिस्टर होता है कंपनी में, आ सकता है क्वेश्चन आपको, सर MOA AOA रजिस्टर होने के क्या इफेक्ट होंगे और कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के क्या इफेक्ट होंगे, तो कंपनी रजिस्टर होने का इफेक्ट क्या है, सेक्शन नंबर 9 एंड MOA AOA रजिस्टर होने का इफेक्ट है सेक्शन नंबर 10। सॉरी सर, देखो ये तो ठीक है, इस चैप्टर में सेक्शन नंबर 10 कब इंपॉर्टेंट होगा आप बताता हूं, इसमें आया अमेंडमेंट सर, सेक्शन नंबर 10A, सर ए मतलब होता है अमेंडमेंट, ठीक है सर, अमेंडमेंट का आया है, सुनो, अरे सुनो, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर कमेंसमेंट मतलब सर ऑपरेशन, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर ये क्या होता है, सुनो समझाता हूं, अभी लिखो पे समझाता हूं फिर आराम से, सर इट इज अ डिक्लेरेशन, सर क्या है डिक्लेरेशन, सर 10A में क्या है डिक्लेरेशन, सुनो जहां जहां हाईलाइट कर रहा हूं सुन रहा, टू बी फाइल्ड बाय, सर कौन करेगा डायरेक्टर्स, क्या है ये 10A डिक्लेरेशन, क्या कौन फाइल करेगा, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी MCQ हाई चांसेस, सुनो विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू, किसको फाइल करेगा, सर कंपनी का कर्ता धर्ता पापा मम्मी कौन है, सब ROC होता है, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी होता है, कंपनी का संपर्क समझ लो, कंपनी का सारा सुनवाई कहाँ होगा, ROC पास होगा, ROC पास जितना फाइल जाएगा ROC पास जाएगा, केसेस की सुनवाई कहाँ होगी, लीगल सूट्स की सुनवाई कहाँ होगी, ट्राइब्यूनल, जिसको NCLT एंड NCLAT कहते हैं, ROC जस्ट लाइक आपको जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो ROC को सबमिट करेंगे, बट मान लो कोई केस हुआ कंपनी में, कोई डिस्प्यूट्स हुआ कंपनी में, कोई आपको ऑफेंस हुआ, तो वो कौन सुनेगा, NCLT जो होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और उसके ऑर्डर के खिलाफ अपील जाना है तो NCLAT, दैट्स नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, तो इट इज अ डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय डायरेक्टर्स, कौन करेगा, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स विद इन, सही एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, विद इन 180 डेज, सर देखो अमेंडमेंट आया तो कहीं ना कहीं घूमने को मिलेगा, MCQ में घूमने को मिलने का चांसेस है, सर कितने दिन में, 180 दिन में, किसको करेगा, ROC को, सर क्या डिक्लेरेशन, आपने लिख तो दिया कि हाँ कमिशमेंट ऑफ बिजनेस सेक्शन नंबर 10A का अमेंडमेंट है, नाम है कमिशमेंट ऑफ बिजनेस, सर आपने बता दिया डिक्लेरेशन, सर क्या डिक्लेरेशन फाइल करना है, क्या डिक्लेरेशन होगा, सुनो
डिक्लेरेशन इज दैट, सुनो, सब्सक्राइबर्स टू एमओए हैज पेड द एग्रीड वैल्यू, ठीक है, और से क्या देगा, कंपनी हैज फाइल्ड विथ आरओसी इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। सर देखो डिक्लेरेशन देना है, सर डिक्लेरेशन क्या होता है, एक प्रॉपर साइन वाइन करवा के फाइल करना है, किसको करना होता है हमें यहाँ पे, आरओसी को, डिक्लेरेशन कितने, आरओसी को, कितने दिन में, सर कितने दिन में, 180 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मान लो 1 अगस्त को अगर आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो यहां से 180 दिन गिन लेना, मतलब लगभग 6 महीने, बट 6 महीने मत बोलना, लॉ की लैंग्वेज 180 दिन, 180 दिन बोलना, उतने दिन में आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन फाइल करना है। सर डिक्लेरेशन क्या फाइल करना है, कि आपके जो भी सब्सक्राइबर्स थे ना एमओए के, उसने अपना एग्रीड वैल्यू पे कर दिया, मतलब सर सही ये वाला, यहाँ पे जो 4 रुपया बचा हुआ था ना, 4 रुपया आपके सब्सक्राइबर के पैसा बचा हुआ था ना, तो ये सब्सक्राइबर ने एट द रेट जो 4 रुपीज बचा थे, 6 सब्सक्राइबर थे, उसने 10,000 शेयर्स पे सारा पैसा दे दिया, आपको ये डिक्लेरेशन देना है। कब दिया, 6 महीने के अंदर दिया होगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर ही हम डिक्लेरेशन देने जाएंगे, तो मान लो या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होते हुए 5 दिन में दे दिया, 10 दिन में दे दिया, तो हमें तुरंत डिक्लेरेशन फाइल करना है। सर आपके पास मैक्सिमम टाइम 6 महीने है, मान लो, सुनो, मान लो 1 अगस्त को क्या हुई, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या हुई है, 1 अगस्त को कंपनी हुई है इनकॉर्पोरेट, परफेक्ट, 4 रुपया बाकी था 10,000 शेयर्स पे, ठीक है, 4 रुपया बाकी था 10,000 शेयर्स पे, सर 30 सितंबर को पैसा मिल गया, तो हमें इसी दिन जाकर डिक्लेरेशन देना है, दे सकते हो, बट आपके पास मैक्सिमम टाइम बोला है कि 6 महीने बाद भी जा सकते हो, मतलब 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, मतलब बोला क्या, देखो आप तो जिस दिन पैसा मिला आप उसी दिन डिक्लेरेशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब नहीं भी दिए ना तो 1 फेब तक, मतलब 6 महीने का टाइम है कि आपको पैसा मिल चुका है, बस आपको ये डिक्लेरेशन देना है, 6 महीने का टाइम दिया हुआ, मतलब 6 महीने नहीं बोलना, 180 दिन बोलना, 180 दिन में भैया तुम्हें फाइल कर देना है डिक्लेरेशन कि हाँ हमें जो पैसा था पेंडिंग मनी वो हमें मिल चुका है। सर और क्या फाइल करना है, कंपनी हैज फाइल विद आरओसी इट्स रजिस्टर ऑफिस एड्रेस। सुनो सर, कभी कभी होता है ना, कभी कभी होता है ना कि मान लो कि मैं एक बिल्डिंग लिया, मैं एक बिल्डिंग नहीं लिया, एक ऑलरेडी एक अच्छा अपार्टमेंट था, उसमें मान लो बिल्डिंग नंबर 400 410 मैंने टेम्पररी बेस पे ले लिया, क्योंकि मेरे को कंपनी इनकॉर्पोरेट करना होता था, और हमने पढ़ा था, हम जब अपने कल स्टेज नंबर 3 पढ़ रहे थे, आपने लिखा होगा अपने नोट्स में आके देखना, उसमें था एमओए डॉक्यूमेंट्स, एओए डॉक्यूमेंट्स, फिर रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस। तो सर कभी कभी होता है ना हमें परमानेंट एड्रेस नहीं मिलता है, तो हम रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस वो स्टेज 3 में भी डाल सकते थे, ठीक है। तो मान लो कंपनी ने क्या किया, एक टेम्पररी एड्रेस ले लिया, जो कि मान लो बिल्डिंग नंबर 410 था, ऑफिस नंबर 410 था, बिल्डिंग कुछ और था, 410 ऑफिस नंबर था, और कंपनी ने कंपनी को फाइल कर दिया एमओए डॉक्यूमेंट्स जो स्टेज 3 में था। सर ये क्या था, ये था टेम्पररी एड्रेस, हो सकता है आपके पास अभी प्रॉपर एड्रेस नहीं आया होगा, या मान लो आप जिस लोकेशन में जाना चाहते हो वो आपको 3 महीने, मान लो 3 मंथ्स के, या मान लो 3 मंथ्स नहीं, मान लो 40 डेज के लिए वैकेंट नहीं था, तो आपको कंपनी के तुरंत इनकॉर्पोरेट करना था। सुनो सुनो एग्जांपल सुनो, आराम से आराम से सुनो, मान लो 1 अगस्त को आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना था, ठीक है, आपको एड्रेस डालना था कंपनी कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो रही है, मान लो कि आपका मेन मकसद था ना कि लक्ष्मी नगर में बिल्डिंग नंबर 520 में ऑफिस एस्टेब्लिश करने का, आप गए वहां पे, आपने पूछा सर बिल्डिंग नंबर 520 चाहिए, ये बोला कि सर अभी तो नहीं मिलेगा, 20 दिन बाद मिलेगा, तो क्या ये एड्रेस हम दिखा सकते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी वहां पे काम कर रही थी, वो कंपनी 20 दिन बाद खाली करने वाली थी, तो सर आप क्या करें तो सर आप एक टेम्पररी एड्रेस दिखा सकते थे, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय आपको एड्रेस बताना पड़ेगा ना, तो आपने टेम्पररी एड्रेस दिखा दिया बिल्डिंग नंबर 420, अब 420 दिखा दिया वो टेम्पररी था, क्योंकि हमें पता था हमें बिल्डिंग नंबर 520 में शिफ्ट करना था, लेकिन हमें आरओसी को फाइल कर दिखा दिया कि 420 में हमारा कंपनी है, हमारा कंपनी लोकेशन यही रहेगा, ठीक है। अब याद रखना टेम्पररी जब आपने दिखाया ना सर, तो 30 दिन के अंदर, सुनो, 30 डेज में परमानेंट एड्रेस में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, मतलब सर सुनो,
1 अगस्त को आपको कंपनी का मान लो COI आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, ठीक है। आपने टेम्प्रेरी एड्रेस दिया था बिल्डिंग नंबर 420 का, तो लॉ ने बोला कि ठीक है तुम टेम्प्रेरी दे सकते हो, बट याद रखना COI डेट से 30 दिन के अंदर तुम्हें परमानेंट एड्रेस करना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस का लोकेशन ROC को भेजना पड़ेगा। तो सर कहने को हो गया एक तरह से 31 अगस्त तक आप ROC को अपना परमानेंट एड्रेस बता दीजिए, टेम्प्रेरी एड्रेस आपको 30 दिन तक मुहूर्त मिलेगा, आप अपना परमानेंट एड्रेस फाइनल करके आप ROC को इंटीमेट कर दीजिए। सर मान लो ROC को उसने इंटीमेट कर दिया 28 अगस्त को, 30 तारीख, 30 क्या क्या उसने 30 दिन अंदर कर दिया, यस कर दिया ना, 28 अगस्त को ROC के सामने फिक्स एड्रेस ले लिया, मतलब परमानेंट एड्रेस ले लिया। तो अब क्या करना है सर, देखो आपने 30 दिन अंदर ले लिया ना, आप एक काम करो एक और डिक्लेरेशन दे दो, कंपनी हैज फाइल विथ ROC इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, जो कि फिक्स एड्रेस होता है। बस थोड़ा पेचीदा है, फिर समझाता हूँ, समझ आएगा। देखो 10A में आपको देना है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन क्या देना है, दो डिक्लेरेशन देना है। कौन देगा सर, डायरेक्टर्स देगा, कंपनी के डायरेक्टर्स देंगे, किसको देंगे, ROC को देंगे। सर डिक्लेरेशन में क्या रहेगा, जो कंपनी के सब्सक्राइबर थे ना, जो MOA में वादा किया था वो पूरा पैसा देंगे, उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, कंपनी बनने समय 4 रुपए पेंडिंग था, अब वो 4 रुपए पेंडिंग उन्होंने चुका दिया, मतलब 40 दिन में चुका दिया, तो कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ेगा 180 दिन के अंदर अंदर तक कि हमारे सब्सक्राइबर ने पैसा दे दिया, पक्का सब्सक्राइबर ने पैसा दे दिया, ठीक है। सर दूसरा डिक्लेरेशन क्या करना पड़ेगा, कंपनी को यह बताना पड़ेगा कि तुमने जब कंपनी बना रहे थे ना उस समय टेम्प्रेरी एड्रेस दिया, तो लॉ बोलता है कि 30 दिन अंदर परमानेंट एड्रेस देना होगा, तुमने दे दिया 30 दिन का परमानेंट एड्रेस, तो ये हमें कब कैसे पता चला तुमने परमानेंट एड्रेस शिफ्ट कर दिया, तो तुम्हें यह भी डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने डिक्लेरेशन में, जो कि 180 दिन के अंदर डिक्लेयर करना होता है कि हाँ हमने अपना ROC को कंपनी हैज फाइल्ड, मतलब कंपनी ने फाइल कर दिया, फाइल लिखा सर ILED, मतलब कंपनी ने फाइल कर दिया ROC को कि हमारा रजिस्टर ऑफिस एड्रेस ये है, जो तुमने 30 दिन के अंदर बताना था ना, लॉ ये बोलता है कि तुम्हें 30 दिन के अंदर फिक्स एड्रेस बताना है, तुमने ROC को फिक्स एड्रेस बता दिया, तो ये भी डिक्लेरेशन दे देना 180 दिन के अंदर अंदर तक कि हाँ कंपनी ने अपना रजिस्टर ऑफिस ROC बता दिया था फिक्स्ड वाला, ठीक है, फिक्स्ड वाला रजिस्टर ऑफिस बता दिया था, ये बता दिया, क्योंकि तुमने जब कंपनी बना रहे थे ना उस समय टेम्प्रेरी एड्रेस था, तो लॉ बोलता है कि 30 दिन के अंदर फिक्स एड्रेस बताओ, तुमने फिक्स एड्रेस ROC बता दिया, तो बस एक डिक्लेरेशन फाइल कर देना, साइन लिख देना कि हाँ मैं डायरेक्टर और मिस्टर आर ऑफ कंपनी ABC, कंपनी ने ऑलरेडी फाइल कर दिया अपना फिक्स ऑफिस एड्रेस ROC को, एक डिक्लेरेशन देना, डिक्लेरेशन जस्ट एक स्टेटमेंट देना है, कितने दिन के अंदर, 180 दिन के अंदर, ठीक है। सर सुनो एक सेकेंड सेव कर लेता हूँ, लाइट कट का इशू होगा। आगे देखते हैं, देखो सर इट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय प्रोफेशनल CA, CS एंड CMA। सर क्या, सर कौन सा सर्टिफाइड, जो सर्टिफाइड में से दो चीज सर्टिफाइड किया था हम लोगों ने सर, क्या क्या, एक तो सारा पैसा मिला, दूसरा क्या सर्टिफाइड किया कि हमने डेट इज कंपनी ने फिक्स्ड एड्रेस 30 डेज में बता दिया। सर इसका सर्टिफाइड करना है हमें, देखो बताना तो 30 दिन के अंदर ही हमें एड्रेस को है, पहले टेम्प्रेरी एड्रेस जो भी था इनकॉर्पोरेशन जब से आया उसके 30 दिन के अंदर हमें फिक्स्ड एड्रेस बताना है, बट उसको सर्टिफाइड करने का 180 दिन टाइम लगा कि हाँ आप सर्टिफाइड करवा लो CA से, CMA से, CS से कि हाँ आपने है ना 30 दिन के अंदर है ना बता दिया था, ये सर्टिफाइड करवाना, आपने 30 दिन अंदर बता दिया था और आपको सारा पैसा मिल चुका था सब्सक्राइबर से। सर ये फेलियर हुआ तो, मतलब आप सर्टिफाइड नहीं कर पाए तो, फेलियर टू फाइल डिक्लेरेशन रिजल्ट्स इन रिमूवल ऑफ नेम। सर ये हम लोग सुनते हैं, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमूवल ऑफ नेम, सर स्ट्राइकिंग नेम ऑफ कंपनी बाय रजिस्टर्स By registrar register, मतलब ROC के register में से कंपनी का नाम हटा दिया जाएगा। सर ये अमेंडमेंट था, मतलब सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और मैं ये सब क्वेश्चन देखते आया हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, कंपनी ने है ना अपना टेम्प्रेरी एड्रेस दिया इनकॉर्पोरेशन करने टाइम, इनकॉर्पोरेशन डेट आ गई, वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी ने अपना फिक्स एड्रेस भी बता दिया, बट कंपनी ने 180 दिन के अंदर सर्टिफाइड नहीं करवाया कि आपने आपने क्या किया था, आपने फिक्स एड्रेस बता दिया था, तो क्या होगा भैया, सिंपल से होगा, फेलियर हो गया, डिक्लेरेशन देना फेलियर हो गया, डिक्लेरेशन देना मैंडेटरी था दो केस में, जब सारा पैसा मिल जाता और कंपनी ने फिक्स एड्रेस बता दिया था, ये फेलियर हो गया तो भैया नेम हो जाएगा रिमूव कंपनी का बाई ROC, ठीक है। दैट्स इट, बहुत ईजी था, 9-10 ईजी था, 10A से क्वेश्चन आने के चांसेस हाईली है सर।
ठीक है, तो याद रखना सर। सर अब क्या, सर अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड वन पर्सन कंपनी। सर आज पढ़ेंगे? नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, इसको लेंगे अगली क्लास में। क्यों सर? इस पे आए अच्छे खासे अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस आए थे इस फाइनेंशियल एक्ट में, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने इस पे चेंजेस किए थे, इसको हम देखेंगे आराम से। सो ओपीसी सेक्शन 2 क्लॉज 62, सॉरी 2 क्लॉज 62 ओपीसी, ठीक है। सर क्वेश्चन आता है हु कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी, ठीक है, तो नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज शैल बी एलिजिबल टू फॉर्म ओपीसी। मतलब सिंपल सी बात है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब आदमी जिंदा होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या मान लो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है ओपीसी। इसको कल देखेंगे आराम से, फ्रेश लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए डैट सेट, अच्छे से पढ़ो, जो पढ़ा उसको है ना क्यूमुलेटिव वे में रिवाइज करो। जैसे आज हो गया लेक्चर नंबर 8, तो 1 से लेके 8 को क्या करो, एक बार नोट्स में अपने देखो, हैंड रिटन नोट्स बनाते चल रहे हो, ठीक बात है, नहीं बनाते चल रहे हो तो एक बुक खोल के बाद फास्ट रिवाइज मार लो, जो भी छोटे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग डेफिनेशन सारे इंपॉर्टेंट है, 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है इस चैप्टर सेक्शन नंबर 7 से, क्वेश्चन बहुत आता है कि स्टेप्स बताओ कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है। सेक्शन नंबर 3A से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो।